गुड मॉर्निंग स्टूडेंट दिस इज योर एवियस पीरियड एंड टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर टेकिंग केयर ऑफ अरबीन थिंग्स एंड आवर फर्स्ट लाइन इज एक्चुअली आवर फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस लेसन इज विच ऑफ दीज रूम्स वुड यू लाइक टू लिव इन वाई इन दोनों रूम में से आप कौन से रूम में रहना पसंद करेंगे और क्यों चलिए हम सभी इसी रूम में रहना पसंद करेंगे रूम नंबर वन में क्यों रहना पसंद करेंगे बिकॉज दिस रूम इज नीट एंड क्लीन ऑल थिंग्स आर मैनेज और रूम नंबर टू में हम क्यों रहना नहीं पसंद करेंगे बिकॉज दिस रूम इज सो मैसी ऑल द स्टफ इज कैटर्ड अराउंड ये रूम बहुत गंदा हुआ पड़ा है और जो सारा सामान है इधर उधर फैला हुआ है इसलिए हम इस रूम में रहना पसंद नहीं करेंगे ठीक है क्या आप अपने रूम को ऐसे रखते हैं रूम नंबर टू की तरह रखते हैं रूम नंबर वन की तरह हमें अपने रूम को इवन हमें अपने बैग को हमें अपने क्लास रूम को हमें अपने रूम को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए इधर उधर डस्ट नहीं डालनी चाहिए और जो चीजें हमने जहां से ली हैं हमें उन चीजों को वहीं पर रख देना चाहिए ताकि हम जब दोबारा उन चीजों को यूज करना हो हमें तो हम उन्हें वहीं से उठा लें और हमें ढूंढना ना पड़े ठीक है टेकिंग केयर ऑफ योर थिंग्स इज अ गुड हैबिट अपनी चीजों को संभाल कर रखना ये एक अच्छी आदत है अलॉट ऑफ थिंग्स कैन गो रोंग इफ योर रूम लुक लाइक रूम टू बहुत सारी चीजें यहाँ पर गलत हो जाती है अगर तुम्हारा रूम, अगर तुम्हारा रूम रूम नंबर टू की तरह है यू विल नोट बी एबल टू फाइंड योर थिंग्स जो तुम अपनी जो चीजें है तुम उन्हें ढूंढ नहीं पाओगे जब समान इधर से उधर पड़ा है तो आप कैसे ढूंढोगे उसमें ठीक है अब जैसे अलमीरा है कोई अपना सामान कोई छोटी सी कोई चीज है वो ढूंढने लगे तो कैसे ढूंढेगा है ना यू मे ट्रिप एंड फॉल जो आप है जैसे ये गाड़ी लिखी हुई है अगर आपका पैर इस पे पड़ जाए तो आप क्या करोगे फिसल जाओगे और गिर जाओगे है ना क्योंकि आपके रूम में अगर ऐसे गाड़ी पड़ी है और आपको ध्यान नहीं रहता और आप बाहर से आते हो आपका पैर गाड़ी पे जाता है और आप फिर गिर जाओगे योर बुक्स कैन गेट स्पॉइल्ड जो आपकी बुक्स हैं वो खराब हो सकती हैं। आपने बुक ओपन करके रख रखी है साइड में एक गिलास में कुछ रखा हुआ है या एक मिल्क का गिलास हो सकता है या टी का गिलास हो सकता है या वॉटर का गिलास हो सकता है वो साइड में रखा हुआ है बुक्स ओपन पड़ी है ऐसे और वो बाई चांस हमारा हाथ लग के किसी का भी हाथ लग के वो गिलास गिर जाए और वो बुक सारी कैसी हो जाएगी खराब हो जाएगी योर टॉयज कैन ब्रेक और आपके जो Twice हैं वो टूट सकते हैं जब वो इधर उधर पड़े हैं किसी का पैर लगेगा कोई बच्चा उसको फेंक देगा तो वो क्या हो जाएंगे टूट जाएंगे ठीक है तो हमारा जो लेसन नंबर एटीन है वो इतना ही है बेटा उसके बाद हमारा लेसन नंबर नाइनटीन स्टार्ट हो जाएगा तो आपको ध्यान रखना है अपनी जो रूम है अपनी जो अलमीरा है आपकी जो स्टडी टेबल है उसको मैसी नहीं रखना है उसको अरेंज करके रखना है ठीक है बेटा